स्वागत है आपका डार्क सेशन स्टूडियोज के एकदम नई वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ द लाइट रूम मोबाइल ट्यूटोरियल। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मैंने सोचा है कि अगर आप लोगों को लाइट रूम ऐप चलाना ही नहीं आएगा तो आप जो एडिटिंग मैं बताता हूँ वो कैसे कर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक लाइट रूम हमारे जो मोबाइल ऐप है उसके लिए एक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको एडिटिंग रिलेटेड कंटेंट में या फिर इंटरेस्ट है या फिर कुछ क्रिएटिव करने में मज़ा आता है तो दोस्तों एक बार हमारे चैनल को देखिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइटरूम के डेस्कटॉप पर या फिर यू कह सकते हो होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे ओवरव्यू देना स्टार्ट करता हूँ। तो जो आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे, तो यहाँ चार ऑप्शन आ रहे हैं, एक लाइब्रेरी, एक शेयर्ड, एक आ रहा है लर्न और एक आ रहा है डिस्कवर। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ इन ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों लाइब्रेरी के अंदर आप जो अपनी पिक्स वगैरह रखेंगे या जो क्लिप्स वगैरह रखेंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके अलावा जो शेयर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों आप अपनी पिक्स को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो जिसके साथ भी शेयर करेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जहाँ मेरा टच शो हो रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर टू वेब, यानी आप इसे ऑनलाइन शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ, समझ रहे ना आप लोग। तो यही है इसका शेयर का काम। लर्न, दोस्तों लर्न में यहाँ पर आपको अडोबी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप लोग यहाँ पर अडोबी ये जो भी लाइटरूम है इसे चलाना सीख सकते हैं। अब आपका लेवल क्या है, जैसे बिगिनर हो गया तो आप बिगिनर लेवल की देख सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल की एडिटिंग देख सकते हैं, एडवांस लैंडस्केप पोर्ट्रेट्स वगैरह इन सभी लेवल्स की एडिटिंग देख सकते हैं और सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। और डिस्कॉर्ड में दोस्तों यहाँ पर आपको ये करते हैं। तो दोस्तों डिस्कवर के अंदर शो होता है कि यहाँ पर जो भी अडोबी कम्युनिटी वाले हैं जो अडोबी के साथ ऐड हो रखे हैं वो अपने अपने एडिटिंग्स वगैरह अपने अपने नए क्रिएशन वगैरह यहाँ वेब पर पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और वैसे की वैसी एडिटिंग कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों यही था कुछ ये ऑप्शन। अब हम चलते हैं लाइब्रेरी के ऑप्शन पर। दोस्तों लाइब्रेरी में अब मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स, हम उस पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर हमें यहाँ पर हमारे जो अकाउंट है उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा प्रीमियम फीचर जो भी अगर भी प्रोवाइड करवाता है जैसा कि लाइटरूम के साथ में, तो इन्हें स्टार फीचर्स भी कहते हैं जो आप यहाँ मार्क देख रहे होंगे प्रीमियम फीचर के पास में। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस के अंदर आप दोस्तों नॉर्मल से सेटिंग कर सकते हैं, वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं मैन्युअली। तो यही कुछ काम है प्रेफरेंस का। और फिर नीचे अबाउट लाइटरूम और डिवाइस इन्फॉर्मेशन स्टोरेज और हेल्प एंड सपोर्ट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काम की है। और टेक्नोलॉजी प्रीमियम में यही है दोस्तों, ये भी डिस्कवर का ही काम करता है तो कुछ खास है नहीं, हम इसे हटा देते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर के शेडेड एरिया में दो आइकन दिख रहे होंगे, एक तो इमेज के साथ प्लस का आइकन है और एक कैमरे का आइकन है। तो दोस्तों इमेज के साथ जो प्लस का आइकन है यहाँ से आप अपनी क्लिप को ऐड कर सकते हैं लाइटरूम की लाइब्रेरी में, और जो कैमरे का आइकन है यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यही काम है इसका। अब जो टॉप राइट कॉर्नर में आपको चीज़ें दिख रहे होंगी जैसे कि एक ये रहा सर्च बार, एक यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन बेल और ये है हमारा यहाँ पे सेंसिंग स्टेटस। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीन चीज़ें यही काम आती है। सर्च बॉक्स में आप अपनी पिक्स को जो बाय नेम सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल का मतलब ये होता है कि जो क्लाउड के अंदर आपका डाटा सिंक होता है या फिर कहीं पोस्ट करते हो या फिर आप किसी क्लाउड के ऊपर डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है। तो बस यही है इसका और कोई काम नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट एडिटिंग पर ले चलता हूँ। हम ओपन करते हैं और फोटोज़ के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमारी पिक हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी पिक और अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया एक्चुअली, तो ये कुछ ट्यूटोरियल वगैरह देता है तो आप लोग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप इजीली ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और सीख सकते हैं इसे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आप लोग यहाँ पर इसे सीख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो यहाँ पर हमें जो रो दिख रही है राइट साइड में, यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन है
इन्हीं की मदद से हमें आइडेंटी करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये है सर्कुलर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो दोस्तों इस ऑप्शन का यूज़ होता है सिलेक्ट करने के लिए, इसका नाम ही सिलेक्टिव ऑप्शन है। तो और ये भी इसे ट्यूटोरियल देने लग गया तो मैं इसे स्किप कर दूंगा आते आते, और आप लोग भी देखते देखते सीखे इसे। तो यहाँ पर जैसा कि मैं प्लस आइकन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ में हमें तीन आइकन दिखते हैं, एक ब्रश का, एक सर्कुलर मोशन और एक आता है स्क्वायर का ऑप्शन। तो जैसा कि मैं ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं ब्रश को यहाँ पर कोई भी, और अब मैं यहाँ पर इसे स्टार्ट करता हूँ, उस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब हाईलाइट करता हूँ इस ब्रश की मदद से। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ तो आप देख रहे होंगे आप इसके कलर में बहुत चेंज आ गया। तो ब्रश और ये जो सिलेक्टिव टूल है यही काम करता है दोस्तों, कि आप जिस भी सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करेंगे या फिर जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसकी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं आप बड़ी ईजी तरीके से। तो दोस्तों यही काम है सिलेक्टिव टूल का। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ गाइड को, और हम आ गए हैं हमारे नॉर्मल पिक के ऊपर। दोस्तों जैसा कि अब यहाँ पर हम फिर से सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, ये हीलिंग का ऑप्शन है दोस्तों। अगर जो पिंपल्स वगैरह होते हैं या फिर जो शेडिंग वगैरह होती है या फिर जो झुर्रियाँ होती हैं कई कई मतलब फेसिस पे, तो आप उन्हें यहाँ से क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। यहाँ दोस्तों इस ऑप्शन का नाम है क्रॉप, आप आइकन देख के समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ से अपनी पिक को आप रोटेट कर सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं किसी भी एंगल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ ही आप उसे सर्कुलर मोशन या फिर डिग्री के अंदर जो भी हमारा पिक है उसे क्रॉप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके क्रॉप के बाद वाले ऑप्शन पर, जैसा कि ये। तो दोस्तों इस ऑप्शन का नाम है फिल्टर्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली इन्हें फिल्टर्स नहीं कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रीसेट्स, और ये मतलब Adobe की तरफ से प्री मेकेड प्रीसेट्स होते हैं जो आप लोगों के काम आते हैं एज ए फिल्टर। जैसा कि हम लोग बाकी ऐप्स के साथ फिल्टर यूज़ करते हैं, वो ऐसे फिल्टर की तरह काम आते हैं। आप जैसे इन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो में यही का यही इफेक्ट आ जाएगा, और आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं ईजीली इस रोल से। तो दोस्तों यही था इसका कुछ, अब मैं भी इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पर है ये आप इमेज के साथ देख रहे होंगे, इसके सर पर स्टार्स वगैरह कुछ बन रहा है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अब दोस्तों इस ये ओपन नहीं होता है, एक्चुअली क्या है, ये है ऑटो। ऑटो का मतलब आप समझ ही गए होंगे नाम से, कि ये मतलब पूरी पिक्चर को डायनेमिकली ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है, चाहे उसका कलर हो, चाहे उसकी शार्पिंग हो, चाहे उसकी क्लैरिटी हो। तो यही ऑटो का कुछ काम है, तो मैं इसे फिलहाल नॉर्मल कर लेता हूँ। देख रहे होंगे आप ऑटो का क्या काम है, तो यही काम है ऑटो का। तो गाइस अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, जो है यहाँ पर एक आपको ये स्टार जिससे मतलब वो सनलाइट वाला जो ये जो दिख रहा है आपको आइकन, इसे हम कहते हैं लाइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी तरह की लाइट को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट इन द सेंस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं इनके बारे में आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। तो एक्सपोजर, तो दोस्तों एक्सपोजर यही करता है कि जो आपके ब्लैक्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके ब्लैक्स होते हैं उन्हें और ज़्यादा ब्लैक कर देता है, और जो वाइट्स होते हैं उन्हें और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो आप जैसा कि मैं इसे माइनस में ले जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे पूरी पिक ब्लैक हो सकती है, पूरी पिक ब्लैक हो गई है, और जैसा कि मैं इसे प्लस में ले जाता हूँ तो पूरी पिक पे वाइट अजीब सा टोन आ गया है। तो दोस्तों यही होता है, इसमें ब्लैक्स को और ज़्यादा ब्लैक कर देता है और वाइट्स को और ज़्यादा वाइट कर देता है। तो यही काम है कुछ इसका। अब हम चलते हैं कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। तो कॉन्ट्रास्ट भी दोस्तों इसी से कुछ सिमिलर टाइप का ही है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। तो कॉन्ट्रास्ट के अंदर दोस्तों यही होता है कि यहाँ पर जो लाइटर एरिया होते हैं वो उसे लाइट कर देता है, और जो डार्कर एरिया होते हैं वो उसे और डार्क कर देता है। तो जैसा कि मैं इसे माइनस में ले जाता हूँ तो आप देख ही रहे होंगे इसने डार्कनेस को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है, बिल्कुल फीका सा कर दिया है। और जैसा कि मैं इसे प्लस ले जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे इसने डार्कर एरिया को बढ़ा दिया है, और मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी पिक हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ में। तो यही है कुछ कॉन्ट्रास्ट का काम। अब देखते हैं हम हाईलाइट। तो दोस्तों हाईलाइट यही करता है कि एक्स्ट्रा रोशनी होती है, मतलब इन द सेंस वाइट कलर, तो उससे हाईलाइट कर देता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस बीच वाले एरिया पर, आप ध्यान से देखिएगा ऐसे मैं जैसे ही माइनस करता हूँ डार्क हो जाता है, और जैसे ही प्लस करता हूँ इस पर एक अलग सी लाइट आ जाती है, ऐसा लगता है कि शायद धूप आ रही है बाहर से कुछ अंदर वगैरह। तो यही कुछ सिमिलर इफेक्ट है। अब शेडोज में दोस्तों यही होता है, आप जानते होंगे शेडोज क्या है। तो ये
एक्चुअल में शेडोज की डार्कनेस को बढ़ा देता है और लाइटनेस को बढ़ा देता है। तो जैसे अगर उसे प्लस में ले जाते हैं तो ये शेडोज को लाइट कर देगा, और जैसे ही उसे माइनस में ले जाएंगे तो शेडोज को बहुत ज़्यादा डार्क कर देगा। तो यही है शेडो का काम। अब दोस्तों व्हाइट और ब्लैक दोनों ही सिमिलर है, व्हाइट यही करता है, आप जैसे ही इसे प्लस में ले जाएंगे तो ये व्हाइट टोन को इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही माइनस में ले जाएंगे तो बिल्कुल डिक्रीज कर देगा। अब जैसे हम ब्लैक पर आते हैं तो ब्लैक को जैसे हम बढ़ाएंगे तो ब्लैक टोन को लाइट कर देगा, मतलब इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज इन द सेंस मतलब लाइट और डार्क कर देगा। तो जैसे ही मैं इसे माइनस में ले जाता हूँ ये और ज़्यादा ब्लैक कर देता है। तो यही कुछ ऑप्शंस हैं, आप इसे मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली आराम से, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये लाइट वाला ऑप्शन अब ख़त्म होता है हमारे लिए। और यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसका नाम है कर्व। तो मैं आपको यहाँ क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों कर्व में ये एक पर्टिकुलर कलर के हिसाब से फोटो को एडजस्ट करता है। ये दोस्तों बड़ा ही टेढ़ा टूल है मेरी माने तो, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों का काम आता है, और जो लोग प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं चाहे वो पीसी में हो चाहे फ़ोन में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अडोबी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है। अब चाहे फ़ोन के लिए ही क्यों ना हो बहुत ही अच्छी तरह काम करता है लाइटरूम हमारा। तो जैसा कि मैं अब यहाँ पर आपको कर्व से छेड़छाड़ी करके बताता हूँ ये क्या करता है एक्शन में। अब मैं इसके ऊपर रेड टोन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब रेड टोन को एडजस्ट करता हूँ यहाँ से। आप खुद देखेंगे कि ये बहुत ही मतलब टेढ़ा काम है इसके साथ, और हद से ज़्यादा ये मतलब कलर एक्यूरेसी को चेंज कर देता है, कलर की लाइटनिंग को चेंज कर देता है। अब देख रहे हैं ना आप लोग कि बिल्कुल भद्दी लग रही है। तो दोस्तों बहुत ही टेढ़ा काम है इसके साथ में, और इसी तरह ये बाकी कलर जो हमारा ग्रीन ब्लू है वो सारे एडजस्ट होते हैं। और यहाँ पर आपको ये लाइनिंग एडजस्टमेंट टूल मिलता है जहाँ से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी कर्व मूवमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। अब कोई भी कलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ और वापस हमारी पिक को ओपन कर लेता हूँ मैं। सॉरी पीछे आ गया ज़्यादा। अब दोस्तों हमारी पिक अब फिर से लोड हो रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा HD पिक है और मैंने इसे डाउनलोड किया है, थैंक्स फॉर द एंड्रे। तो अब मैं तो फ़िलहाल मैं इसे हटा देता हूँ सभी इफेक्ट्स को। अब दोस्तों हम आ गए हैं नेक्स्ट टूल पर जो कि है ये थर्मामीटर टाइप का दोस्तों ये टूल लगता है, और उसका नाम है टेम्परेचर। तो दोस्तों टेम्परेचर ऐसे मत जाइए कि टेम्परेचर पे क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग के मेन ऑप्शन मिलते हैं जहाँ से आप किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहले यार मैं आपको यहाँ चार ऑप्शन बता देता हूँ। ये टेम्प है यहाँ पर, और ये टिंट है, टिंट के बाद नीचे आता है वाइब्रेंस, और वाइब्रेंस के बाद आता है सैचुरेशन। तो दोस्तों टेम्परेचर यही करता है कि येलो जो पार्ट होता है उसे और ज़्यादा येलो कर देता है, और ब्लू जो पार्ट होता है उसे और ज़्यादा ब्लू कर देता है। जैसा कि मैं इसे अगर माइनस ले जाता हूँ तो देख ही रहा हूँ ब्लू टोन अप्लाई होगी पूरी तरह से, और जैसे ही प्लस ले जाता हूँ तो अजीब सी येलो सी टोन आ गई है, ऐसा लग रहा है मतलब बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, धूप आ रही है ना। तो यही कुछ है इसका टेम्परेचर का काम। अब दोस्तों टिंट के ऊपर जाते हैं, तो टिंट दोस्तों ये काम करता है कि किसी भी कलर को, यानी हम यहाँ पर दो ही कलर दे रखे हैं, जैसा कि यहाँ माइनस के अंदर ग्रीन टोन है, और जैसे ही हम इसे प्लस करते हैं तो रेड टोन या पर्पल टोन अजीब सा पिंकिश टोन है। तो दोस्तों ये यही करता है कि जो पर्टिकुलर कलर है इसको रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो पिक्चर है उसके साथ में। तो अभी आपने देखा ही होगा जैसे मैं प्लस करता हूँ तो अजीब सी पर्पल सी पिंकिश टोन आ जाती है। तो यही काम है टिंट का, कोई खास यूजेज नहीं है इसका। हाँ, अगर आप लोग प्रोफेशनल हैं अच्छी तरह एडिटिंग करना सीख गए हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। और जैसा कि मैं इसे वापस ओपन कर लेता हूँ, अब दोस्तों अब इसके बाद हम फिर से आ जाते हैं टेम्परेचर टूल पे। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया था। अब यहाँ पर वाइब्रेंस और सैचुरेशन दोनों एक ही काम करते हैं। ये आप देख रहे होंगे इस यहाँ जो रो है हमारी, इस रो के अंदर बहुत सारे कलर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पिंकिश या पर्पल टाइप का कुछ, फिर ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज येलो टाइप का कुछ टोन है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसे बढ़ाते और घटाते हैं तो सैचुरेशन का काम यही है दोस्तों कि ये जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर जितनी मौजूद कलर है उसकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी, कलर पंची हो जाएंगे, और जैसे हम इसे घटा देंगे माइनस में ले जाएंगे तो ये सभी कलर की सैचुरेशन को कलर्स को बिल्कुल फीका कर देगा और हो सकता है ब्लैक एंड वाइट कर दे, जैसा कि यहाँ -100 पे पूरी पिक ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। तो दोस्तों यही काम है। तो वाइब्रेंस दोस्तों ये करता है कि पर्टिकुलर कलर को इनकी इंटेंसिटी और पंची कलर्स को और ज़्यादा एनहेंस करता है, साथ ही साथ शार्पिंग को भी। तो यही काम है वाइब्रेंस का। अब मैं इसे बैक ले लेता हूँ। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर मिक्स वाले टूल पर। तो दोस्तों मिक्स वाला टूल
का काम क्या है मैं, तो फिर हम अब यहाँ पर मिक्स ऑयल ऑप्शन में आपको मैं चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब ये जो मिक्स ऑयल ऑप्शन है दोस्तों, ये बड़ा ही बहुत मतलब कहते हैं सिनेमेटिक लुक देने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, और देखा जाए तो लाइट रूम का मेन टूल यही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप ये जो कलर देख रहे हैं, ये कलर हर एक कलर की इंटेंसिटी को, उसकी सेचुरेशन को, उसकी लाइटनेस को, डार्कनेस को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये रेड कलर है, तो रेड कलर की जैसे मैं सेचुरेशन इंक्रीज करता हूँ तो आप देख रहे होंगे पिक के अंदर एक रेड टोन यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है। और अब जैसे हम ऑरेंज कलर पर चलते हैं, तो ऑरेंज कलर को जैसे ही सेचुरेशन बढ़ाते हैं तो आप देख रहे होंगे बहुत ही मतलब पंची सा कलर आ गया है। अब हम येलो कलर पर चलते हैं, येलो कलर की अगर हम ह्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो कुछ और कलर आ गया। अगर ग्रीन कलर की हम ह्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो देखिए मतलब बहुत ही सिनेमेटिक सा लुक आ गया है हमारे पिक के अंदर। और जैसे हम सेचुरेशन घटाते हैं तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाती है हमारी पिक। तो दोस्तों यही कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी पिक को या फिर जो हमारी क्लिप है उससे सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ ऑप्शंस हैं और यही चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में कलर ग्रेड करने में काम आती है लाइटरूम के अंदर। तो दोस्तों इसी तरह बाकी सभी कलर की जो सेचुरेशन वगैरह, ह्यू वगैरह है और ल्यूमिनेंस वगैरह है, आप उसे सेट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको मज़ा आएगा धीरे धीरे इस ऐप को चलाने के अंदर। और जैसा कि हम यहाँ पर ये एंड होता है, हम इसे डन कर लेते हैं यहाँ से, और मैं फ़िलहाल फिर से इसे नॉर्मल कर लेता हूँ बैक लेकर। तो अभी हमें हमारी नॉर्मल पिक की जरूरत है, तो हमारी नॉर्मल पिक आ गई है हमारे सामने। अब दोस्तों मैं इसे टेम्परेचर वाले टूल को क्लोज कर देता हूँ, अब नेक्स्ट वाले टूल की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को, जिसका नाम है ये, इसका नाम है मतलब इफेक्ट टूल। तो दोस्तों इफेक्ट टूल के अंदर आप अपनी पिक को क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं, उसका टेक्स्चर इंक्रीज कर सकते हैं, और विंटेज वगैरह। अगर आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ एक एक करके कि टेक्स्चर दोस्तों यही होता है आपकी पिक को बहुत ज़्यादा उभार देता है। उभारने का मतलब एक 3D सा अलग सा लुक दे देता है, अलग सी शार्पिंग, अलग सा मतलब व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं टेक्सचर बढ़ाने के बाद में, ठीक है। और जो हमारी पिक है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब लगती है। हाँ, आप लोग इस ऐप का मतलब सॉरी इस ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ये है क्लैरिटी। तो दोस्तों क्लैरिटी यही है कि कई बार आप देखते हो जो हम फ़ोन से फोटोग्राफी करते हैं और फ़ोन में जो पोर्ट्रेट मोड आता है, हम उस पोर्ट्रेट मोड से जैसे ही पिक लेते हैं तो दोस्तों कई कई बार होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो एजेस होती हैं वो कई बार ब्लर हो जाती है। तो ब्लर ठीक करने के लिए या फिर उसे एडजस्ट करने के लिए ये क्लैरिटी काम आती है। तो क्लैरिटी एक्चुअल में उसकी जो एजेस होती हैं उसे क्लैरिफाई कर देती है और बहुत अच्छी एक शार्पिंग प्रोवाइड करा देती है, जिससे वो पिक थोड़ी अच्छी लगती है। अब डीहेज में दोस्तों ये काम करता है कि जो हम ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी बढ़ा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के जो डार्कर एरियाज होते हैं उनकी डार्कनेस और लाइटनेस को इंक्रीज करता रहता है। तो यही एक डीहेज का काम, हालांकि इसका मैं कोई डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी काम नहीं आता इतना। अब जैसे कि हम विंटेज की तरफ चलते, जैसी अब विंटेज वाला ऑप्शन दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख रहे होंगे जैसे मैं इसे माइनस करता हूँ तो ये सेंटर पॉइंट्स को फोकस कर देता है और जो एजेस हैं हमारे किनारे हैं उन्हें डार्क कर देता है। तो दोस्तों यही काम करता है विंटेज। और ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, मिड पॉइंट, फेदर एंड राउंडनेस, तो दोस्तों यही ये जो तीनों हैं ये विंटेज के साथ ही काम करते हैं। आप देखिएगा मैं एडजस्ट करता हूँ, आप देख ही रहे होंगे विंटेज के साथ में, विंटेज इफेक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क आ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों ये तीनों मतलब इसकी जो ये जो डार्कर एरिया है जो इसने प्रोवाइड किया है किनारों पर, इसको एडजस्ट करता है, इसकी पिट को एडजस्ट करता है, इसकी ओपोसिटी को, इसकी ब्लरनेस को एडजस्ट करने में काम आते हैं तीनों टूल। तो बस यही है। हाईलाइट दोस्तों कुछ काम नहीं आता यहाँ पर, आप सब कुछ काम नहीं आएगा इस एडिटिंग में। ग्रेन्स का मतलब यही होता है कि दोस्तों सीधी भाषा में समझाऊँ तो आपकी पिक्चर के ऊपर दाने उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ये मजाक लग रहा होगा लेकिन यही काम करता है ग्रीनिंग आउट। यहाँ पर आप वो जो दाने क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब वो कहते हैं डॉट्स, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, उसकी साइज और उसकी राउंडनेस को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही था इफेक्ट का काम। अब इफेक्ट वाले टूल को हम हटा देते हैं यहाँ से, और सॉरी मैं इसे सही करना भूल गया, तो मैं इसे फिर से हमारी नॉर्मल पिक के अंदर चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो पिक है वो फिर से पहले जैसी हो गई है,
राइट, अब हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर जो एक ट्रायंगल सा शेप दिख रहा है आप लोगों को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा। तो दोस्तों अब हम इस शेप के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। दोस्तों ये इस टूल का नाम है डिटेल्स। जी हाँ, ये आपकी जो पिक्चर की डिटेल्स हैं, जो बारीकियाँ हैं, उसे इन्हेंस करता है, आपकी पिक्चर और HD लगती है। जी हाँ दोस्तों, HD का इन द सेंस मतलब अच्छी लगती है, क्लैरिफाई लगती है और देखने में अच्छी लगती है, मतलब व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं इस वजह से भी। तो दोस्तों की जो पहला ऑप्शन है वो शार्पिंग है। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट की शार्पिंग को बढ़ा देता है। आप इसे यूज़ करके देखिएगा। इसका कोई मतलब लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन नहीं है या फिर इसे समझाया नहीं जा सकता। बस इसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपकी जो पिक्चर है उसकी डिटेल को इंक्रीज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जो एजेस हैं उनको अच्छी तरह दिखाएगा, ये ऑब्जेक्ट को शार्प कर देगा। तो यही काम होता है शार्पिंग का। अब ये दोस्तों जो नीचे दो टूल है ना, एक रेडियस और एक डिटेल्स, दोनों, तो दोस्तों ये दोनों इसी के साथ ही काम करते हैं। ये शार्पिंग के दोनों टूल है, ये रेडियस को इंक्रीज़ करता है, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसकी शार्पिंग को इंक्रीज़ कर देता है। और ये डिटेल्स में दोस्तों आप जो शार्पिंग कर रहे हैं उसमें आपको डिटेल कितनी चाहिए वो एडजस्ट कर सकता है ये। अब हम फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं, मास्किंग। तो दोस्तों मास्किंग देखा जाए तो बिल्कुल भी यूजलेस है, बिल्कुल ही यूजलेस है, लेकिन जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं या एडिटर होते हैं उन्हें काफ़ी काम आती है। वैसे मास्किंग टूल का भी कोई यूज़ नहीं है, तो आप लोग इसे ना ही जाने तो अच्छा होगा, मैं इसे रिव्यू कर देता हूँ। अब दोस्तों हम आते हैं इसके अगले वाले ऑप्शन पर, इसका नाम है नॉइस रिडक्शन। तो दोस्तों नॉइस रिडक्शन बहुत ही अच्छा मतलब टूल है। इसके अंदर ये काम करता है चिकना करने में। जी हाँ दोस्तों, अगर सीधी भाषा में कहें तो चिकना करने में, या फिर जो हमारी जो फेस होता है, फेस उसे मतलब क्लीन कर देता है, पिंपल्स हटा देता है, डिस्टॉर्शन हटा देता है फेस के ऊपर से। उसके अलावा जो झुर्रियाँ होती हैं वगैरह वगैरह वो भी हटा देता है। तो जितना ज़्यादा आप नॉइज़ रिडक्शन रखोगे उतनी ज़्यादा मतलब क्लीन मिनिमलिस्टिक का लुक आएगा फेस के अंदर, ओनली फॉर फेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो इसके नीचे डिटेल वाला ऑप्शन है और कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन है, ये दोनों इसी के साथ काम करते हैं। तो आप इसे इसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जैसे ही आप उसका नॉइज़ रिडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर जो आपको डिटेलिंग चाहिए डिटेलिंग को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही काम है इसका, नॉइज़ रिडक्शन का और डिटेल्स का। और कॉन्ट्रास्ट भी यहीं से, वैसे तो यूजलेस ही है लेकिन कहीं कहीं दोस्तों, वैसे तो प्रोफेशनली है लेकिन आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी में काम आ जाएगा जब आप यूज़ करेंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पर, कलर नॉइज़ रिडक्शन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी कलर की नॉइज़ रिडक्शन को हटा सकते हैं और उसे आराम से यहाँ पर स्मूथनेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यही काम था कुछ इसका। अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। ये दोस्तों आई या फिर टॉर्च टाइप का कुछ लग रहा है। तो दोस्तों इसका काम मैं आपको समझा देता हूँ। इसका काम दोस्तों यही है कि ये जो आपकी आई करेक्शन होती है और जो मार्क्स होते हैं अलग से अलग से, उन्हें यहाँ से जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो ये ऐसे हटा देता है। तो यही काम है। हम आते हैं नेक्स्ट टूल पर। तो दोस्तों इसे स्टैच टूल कहते हैं। हम इससे कि हमारी जो पिक है थी उसमें स्टैचिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ना आप। तो ये स्टैचिंग करता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और उसके अलावा वो रोटेट कर सकता है, आस्पेक्ट को जो एडजस्ट कर सकता है यहाँ से, और स्केलिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह कर लेता है ये टूल। तो यही काम है इसका। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम इसे सेट कर सकते हैं पिक को हमारी। तो फिलहाल मैं इसे बैक कर लेता हूँ, अच्छी तरह हमारी ओरिजिनल पिक को ले आता हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट कलर ग्रेडिंग, जो कलर वाले फिल्टर्स हैं, नेचुरल ब्राइट वगैरह, और मतलब जो फिल्टर, इन्हें एक्चुअल में फिल्टर्स कहते हैं, और ऊपर जो हमने देखा था वो पीट सेट थे। तो अब मैं इसे हटा लेता हूँ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन आते हैं दो। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको अंडो करने में काम आते हैं, और अंडो इन द सेंस मतलब आपका जो, अगर आपकी फ़ोटो का प्रीवियस वर्जन है आप उसे यहाँ से ओरिजिनल या फिर करंट एडिट में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों ये काम है, आप इस यहाँ पर आप जितने भी आपने एडजस्टमेंट किए हैं उन सभी को एक बार में ऑल करके अंडो कर सकते हैं। तो यही काम था दोस्तों लाइटरूम का। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन जो यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये शेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सेव टू डिवाइस, गेट ए लिंक, जो ऑनलाइन लिंक होती है हमें वो मिल जाती है। उसके अलावा हमें जो पीपल इन्वाइट कर सकते हैं जिसके हम फोटो शेयर करेंगे हमारी, और शेयर एडिट वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन।
ऑप्शन आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो में लेकर आऊँगा और आपको और डिटेल में समझाऊंगा मैं। अब आते हैं यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका हिस्टोग्राम शो करते हैं कर सकते हैं और सो इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं इसके साथ में पिक्चर की। और यहाँ पर दोस्तों आप प्रीसेट्स बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीसेट्स क्या होते हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, और तो अब हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पर एंड होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और दोस्तों मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतनी लेट वीडियो डाल रहा था आप लोगों के लिए, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा था। मैंने अभी जो लास्ट मेरी जो प्रीवियस वीडियो डाली है उसकी लिंक अगर मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। बड़ी अमेजिंग एडिटिंग की है मैंने और सिनेमेटिक एडिटिंग है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। और वो भी मैंने किसी और के फ़ोन में करी थी, तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और दोस्तों इसी तरह के एडिटिंग ट्यूटोरियल में लेके आते रहूँगा आपके लिए, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, अब चाहे वो फ़ोन में होती हो या फिर पीसी में, मैं आप लोगों के लिए सभी तरह के एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।